Hello students, how are you? I hope you all are well. Students, have you enjoyed your test paper? I hope you have enjoyed your test paper and you have done very well. Today, ma'am will give you the solution of your test paper. So, you have to listen it carefully. If you have any doubt, it can be solved. Okay, beta? Shall we start? स्टूडेंट सी योर टेस्ट पेपर, अपने टेस्ट पेपर को देखो, कुछ याद आ रहा है? याद तो आएगा यदि आपने टेस्ट अच्छे से दिया होगा. सो कम टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द राइमिंग वर्ड्स. इसमें आपको क्या करना है, आपको राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं. राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, जिनकी साउंड सिमिलर होती है. तो व्हाट्स द राइमिंग वर्ड ऑफ शेयर, केयर, बैंड, लैंड. सो व्हाट यू विल राइट हियर, केयर एंड लैंड. और बेटा ये ज़रूरी नहीं है कि जो मैम बता रहे हैं आपने वही राइमिंग वर्ड्स करने हैं, आप उसके अलावा भी कर सकते हो, लेकिन उनकी साउंड्स क्या होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए. ओके, आवर सेकंड क्वेश्चन इज राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. आपको इन वर्ड्स की क्या लिखनी है, मीनिंग लिखने हैं. ऑप्स मीन्स सॉरी और सरप्राइज. स्ट्रेट मीन्स विदाउट अ कर्व, बिना किसी कर्व के. ओके ओके स्टूडेंट, सी द वर्ड मीनिंग्स केयरफुली. ऑप्स मीन्स सॉरी, आप सॉरी और सरप्राइज में से कुछ भी लिख सकते हो. ओके, स्ट्रेट विदाउट अ कर्व, यानी कि जो मुड़ा ना हो, बिल्कुल सीधा हो. नेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स. आपको इन फॉलोइंग वर्ड्स को क्या करना था, कंप्लीट. लैंड, केयर, तो ये वर्ड्स क्या बनने थे, लैंड और केयर, LENDCARE. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज शी लैंड हर फ्रेंड, उसने अपने फ्रेंड को क्या दिया. शी लैंड्स हर फ्रेंड अ क्रेयॉन, उसने अपने फ्रेंड को क्या दिया, एक क्रेयॉन दिया. Our next question is, what does a speaker say then can do with the broken crayons? कि वो broken crayon से क्या कर सकते थे. She says that they can share it. वो इसको क्या कर सकते थे, share कर सकते थे. So students, I hope you have understood the test paper. Now we will discuss about our syllabus. So listen it carefully. बेटा बिफोर द हॉलीडेज वी हैव डन द रिविजन ऑफ ऑल दीज. द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल, वट इज़ इन द लंच बॉक्स, अ संडे पिकनिक, रोर किम्बा रोर, अ होम. इसकी रिविज़न हम कब कर चुके थे, हॉलीडेज से पहले, जो समर हॉलीडेज हुई थी. और उसके बाद हमने कौन से चैप्टर किए थे, द नोटी टी शर्ट, जिसका मैम टेस्ट ले चुके हैं, द गिफ्ट, इसका भी टेस्ट मैम ले चुके हैं, एंड आई हैव अ बॉक्स ऑफ क्रेयॉन्स, इस पॉइम का भी आपका टेस्ट हो चुका है, जिसका मैम ने आज आपको सोल्यूशन बताया है. बेटा नेक्स्ट हम क्या करेंगे, द पीस ऑफ चीज़. ओके, नेक्स्ट हम कौन सा चैप्टर करेंगे, द पीस ऑफ चीज़. सो बेटा यदि आपका इनमें से कोई भी बुक वर्क या नोटबुक वर्क पेंडिंग है, तो आपको इसको क्या कर लेना है, कंप्लीट कर लेना है. ओके, अब हम कौन सा चैप्टर करेंगे नेक्स्ट, द पीस ऑफ चीज़. और इस चैप्टर को आपने अच्छे से सुनना है, और जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, मैम उसके बाद आपका इस चैप्टर का भी टेस्ट लेंगे. ओके बेटा, आई होप नाउ यू हैव अंडरस्टूड अबाउट द सिलेबस एंड योर टेस्ट पेपर. अब आपको सिलेबस में कोई डाउट नहीं होगा. ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे.